our channel, our crazy reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Vidanshu. And my name is Pradeep. So, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है Top 14 Indian Songs That Became International Hits, Viral Songs. So, अब वो कौन-कौन से 14 भारतीय गाने हैं जो इंटरनेशनल हिट बन चुके हैं, उसका हम देखने जा रहे हैं. हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से हो सकते हैं. अरे ओ बेटा जी, ये तो अभी, ये तो थोड़ा इस अभी होने लगे ना, ये मतलब टॉप सारे ये पहले से चलते. अच्छा, जो पुराने वाले भी. हाँ, मेरे ख्याल से ये वही होंगे. और इसमें तो पंजाबी होंगे एक दो, मेरे ख्याल से तो वो तो होने चाहिए. मेरे ख्याल से तो वो जिमी जिमी आ जा जाओ, या वो वाला नहीं है जो बूढ़े अंकल एक डांस कर रहे होते हैं शादी में, गोविंदा सर के गाने. अरे वो इंटरनेशनल हिट, वो गाना भी काफी इंडियन है. वो इंडियन नहीं, इंटरनेशनल हिट की बात कर रहे हैं हम. मेरे ख्याल से जिमी जिमी ये काफी, ये जो जो गायम डिस्को डांसर वाला मिथुन चक्रवर्ती, उनका ये काफी हिट सॉन्ग था. मैंने, मुझे जहां तक मैंने थोड़ी वीडियोस देखी हैं कि रशिया में काफी हिट था ये सॉन्ग. तो देखते हैं कौन कौन से हैं. उससे पहले इकट्ठे जानते हैं कि कौन कौन से गाने हैं. उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. इंटरनेट के जमाने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. जैसे कि मलयालम फिल्म अदर लव प्रिया प्रकाश वारियर, जिसने अपनी आंखों की अदाओं से सबका दिल चुराया और जब आंख मारी तो पूरा इंडिया उनका फुल टू फैन हो गया. लेकिन फ्रेंड्स, वायरल होने का यह सौभाग्य हर एक वीडियो को नहीं मिलता है. सही बात है. आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 14 का चैनल जाके भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में नाम कमाया बल्कि दूसरे देशों में भी शोहरत पाई. ठीक है, मगर उससे पहले एक खास बात, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारे बाकी के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना हमारा चैनल भी. आइए देखते हैं कौन से हैं वो टॉप 14 इंडियन सॉन्ग्स जिन्होंने मचाई है पूरी दुनिया में धूम. नंबर 14, मेरा जूता है जापान. मेरा जूता है 1955 का है. इंग्लिशतानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी. 1955 में आई फिल्म श्री 420 का यह गाना आजाद भारत में एक एंथम बन गया. राज कपूर अभिनीत इस गाने के लिए उस समय रशिया में गजब का क्रेज. रशिया में देखा इस गाने को 2013 में आई हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी और फिर 2016 में रिलीज हुई फिल्म डेडपूल में यूज किया गया था. हाँ, वो गाड़ी करते नंबर 13, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये तो सारा का ही है. फिल्म टाइगर जिंदा है का यह गाना YouTube पर सबसे ज्यादा बार देखा गया इंडियन गाना तो है ही, साथ ही पहला इंडियन सॉन्ग है जिसने 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. अभी तो वो बन गया 1 बिलियन. लॉन्ग लाची. चार्ल डडलानी और नेहा बसीन के गाए इस गाने को सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी पे फिल्माया गया है. इसे बाद में अरेबिक में भी डब किया गया. अच्छा? जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. ये नहीं पता था. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. नंबर 12, नशे से चढ़ गई. नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई. फिल्म बेफिक्रे का यह गाना रणवीर सिंह और वाणी कपूर पे फिल्माया गया है. इस गाने को YouTube पर 521 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. इस गाने को अन्य देशों में भी पसंद किया गया. नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई. नंबर बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे. नंबर 11, मुंडिया तो बच के रही. अच्छा, मुंडिया तो बच के रही, तू हुने हुने होई मुटियार.
पंजाबी एमसी द्वारा प्रोड्यूस्ड और लाभ जांजुआ द्वारा गाया हुआ यह गाना ओरिजिनली 1997 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड धूम मचाई 1998 में जब इसे अमेरिकन रैपर जे जी के साथ री रिलीज किया गया। इस गाने ने इटली और बेल्जियम के साथ साथ अन्य कई देशों में म्यूजिक चार्ट्स पे टॉप पोजीशन हासिल की। टेन मिलियन कॉपीज की वर्ल्ड वाइड सेल के साथ इसने दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले सिंगल्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। यूके, जर्मनी, यूएसए और कनाडा में भी यह गाना बहुत पॉपुलर हुआ। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 में इस गाने को रिक्रिएट किया गया। नंबर 10 तुनक तुनक बाय दलेर मेहंदी। पंजाबी म्यूजिक की बात चलते ही जुबान पे नाम आता है दलेर मेहंदी का, जिनकी आवाज और अंदाज हर किसी को थिरकने पर मजबूर क्या है देखना वीडियो कैसी बनाई है। तुनक ने रिलीज होते ही दुनिया भर में धूम मचा दी थी और सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तुनक तुनक का जादू देसी लोगों के साथ साथ विदेशियों पे भी खूब चढ़ा। दुनिया के हर कोने से लोगों ने इस गाने पर डांस के वीडियोस बना के पोस्ट किए हैं। फॉरेनर्स को भले ही इस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो इसे सुनते ही नाचने लगते थे और आज भी ऐसा ही होता है। नंबर 9 जिमी। हाँ, ये मुझे पता था। बोला बोला उसका। ये भी रशिया में काफी हिट हुआ था। में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर के इस गाने ने पूरी दुनिया में सबको दीवाना बना दिया और अपनी धुन पर झूमने पर मजबूर कर दिया था, विशेष रूप से चाइना, टर्की, रशिया और सोवियत यूनियन के अन्य देशों को। इतने सालों के बाद आज भी इस गाने की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। यह गाना और फिल्म दोनों ही रशिया में बहुत पॉपुलर है। नंबर 8 जिमी की कमल। मलयालम गाना जिमी की कमल एक ऐसा गाना है जिसने रिलीज होते ही पूरे इंडिया में सनसनी फैला दी। ये मैंने पता यार, मैंने भी सुना है। इसने ना सिर्फ इंडियंस को नचाया बल्कि फॉरेनर्स को भी झूमने पे मजबूर किया है। हमें क्यों नहीं पता है। 2017 में यह गाना वायरल हो गया था और लोगों ने यूट्यूब पे इस सॉन्ग के बहुत सारे कवर वर्जन अपलोड किए और वो सभी बहुत पसंद किए गए। अमेरिकन एक्टर एवं टीवी होस्ट जिमी किमेल ने भी जब यह गाना सुना तो उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें यह गाना बहुत पसंद आया। जिमी की कमल यूएसए के साथ साथ यूरोप में भी बहुत पॉपुलर हुआ है। नंबर 7 उर्वशी। उर्वशी। यह गाना 1994 में रिलीज हुई तमिल फिल्म कादलन का है, जो उस समय बहुत हिट हुआ था। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कई गुना ज्यादा तब बढ़ गई जब इसके हिंदी डब्ड वर्जन को रिलीज किया गया। पर भी फेल हो आपने बोला अन्ना का दुश्मन। उसके बाद उर्वशी उर्वशी सॉन्ग को हर क्लब, डिस्को, मैरिज हॉल, यहाँ तक कि देश के कोने कोने पे बजाया गया। इस गाने ने इंडियन मूवी हिस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में जगह बनाई और ऑस्ट्रेलिया तथा यूके में भी अपने झंडे गाड़े। 2014 में अमेरिकन हिप हॉप रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट विलियम और सिंगर कोडी वाइस ने इस गाने को इट्स माय बर्थडे के नाम से रिक्रिएट किया। अच्छा। जो कि यूके में चार्ट टॉपर बना। 2016 में आई ऑस्ट्रेलियन फिल्म लायन में भी इस सॉन्ग को यूज किया गया। नंबर 6 व्हाई दिस कोलावेरी। ये बताएं मुझे। व्हाई दिस कोलावेरी 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 डी।
ये जबरदस्त हिट गाना 2000 में रिलीज हुई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर 3 का है। मल्टी टैलेंटेड एक्टर धनुष ने ना सिर्फ इस सॉन्ग को लिखा बल्कि इसे अपनी आवाज भी दी। अपने इजी और क्विर्की लिरिक्स के कारण यह गाना रिलीज होते ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वायरल हो गया और पूरे एशिया में पॉपुलर हो गया। खास तौर पे जापान में इस गाने ने खूब शोहरत पाई। टोक्यो के हर नाइट क्लब में कोलावेरी डी प्ले किया जाता था। इस गाने के सिंपल लिरिक्स होने से यह आसानी से फॉरेनर्स की जुबान पे भी चढ़ गया। सिर्फ इस एक गाने ने धनुष को रातों रात स्टार बना दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे कई टॉप बिजनेस स्कूल्स ने इसकी पॉपुलैरिटी का कारण पता करने के लिए स्टडीज भी कंडक्ट की। नंबर 5 आवारा हूँ। 1955 में आई फिल्म आवारा का ये गाना इंटरनेशनली पॉपुलर हुआ था। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा। इसके गीतकार थे शैलेंद्र और इसे गाया था मुकेश ने। इस गाने को राज कपूर पे फिल्माया गया था जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। अच्छा। इंडिया के अलावा यह गाना चाइना सोवियत यूनियन और मिडिल ईस्ट में भी पॉपुलर हुआ था। मई 2013 के बीबीसी पोल में इस सॉन्ग को सेकेंड ग्रेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम की रैंकिंग मिली। इस गाने की पॉपुलैरिटी की वजह से ग्रीस टर्की मिडिल ईस्ट सोवियत यूनियन चाइना और रोमानिया में इसके लोकलाइज्ड वर्जन्स भी बने हैं। फिर से आ गई नाइका स्पॉन्सर नहीं करते। रशिया में नई जनरेशन इस गाने को आज भी पसंद करती है। नंबर 4 काला चश्मा। फिल्म बार बार देखो का यह गाना पुराने पंजाबी गाने का रिक्रिएटेड वर्जन है जो जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ और डांस के दीवानों की पहली पसंद बन गया। हाँ। इस गाने के स्टेप्स को लोगों ने जम के कॉपी किया और झूम के नाचे। वैसे इस गाने के ओरिजिनल वर्जन ने भी रिलीज के समय पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया था। नंबर 3 आई एम अ डिस्को डांसर। 1982 की फिल्म डिस्को डांसर का यह गाना चाइना और सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे लेकिन आई एम अ डिस्को डांसर सोवियत यूनियन टर्की और चाइना आदि कंट्रीज का एंथम बन गया। लोगों ने जब मिथुन चक्रवर्ती को इस गाने पे डांस करते हुए देखा तो सब के सब उनके और इस गाने के फैन हो गए। इस गाने में मिथुन चक्रवर्ती के डांस स्टेप्स के साथ साथ लोगों ने उनके कॉस्ट्यूम को भी खूब कॉपी किया है। यह एकमात्र भारतीय गाना है जिसे चाइना में भी अवार्ड्स मिले हैं। नंबर 2 छैया छैया। छैया 2003 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म दिल से का यह गाना उस साल का सबसे लोकप्रिय गाना था। 155 देशों के लोगों के वोट्स पाकर यह गाना वर्ल्ड के टॉप 100 गानों की लिस्ट में 9th नंबर पे पहुंचा था। इस गाने में शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा एक ट्रेन के ऊपर डांस करते हुए नजर आए। छैया छैया गाने के लिरिक्स सूफी कवि बुल्ले शाह के सूफी गाने थैया थैया पे आधारित है। 2011 में यह गाना इंडोनेशिया में खूब पॉपुलर हुआ था। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। नंबर 1 जय हो।
ऑस्कर अवार्ड है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का यह गाना A.R. रहमान द्वारा रचित एक मास्टरपीस है, जिसने ऑस्कर्स और ग्रैमी अवार्ड्स जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड जीतकर पूरी दुनिया में अपने फैंस बनाए और A.R. रहमान को खूब शोहरत दिलाई। 2008 में रिलीज के बाद यह गाना बच्चे हो या बूढ़े सबकी जुबान पे चढ़ गया था, और तो और बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने भी इस गाने पे परफॉर्मेंस दी है। हमें एक दो को छोड़ के सभी पता थे, वो मलयालम वाला नहीं पता था एक, बस बाकी हमें सब पता ही थे। हाँ। कि मुझे लग भी रहा था कि यही होंगे, और पंजाबी मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि दो ही थे ना पंजाबी, एक और मुंडिया तो बच के रही। हाँ। और बाकी जो बाकी है जिम्मी जिम्मी मेरे को पक्का पता था ये इस लिस्ट में होगा, क्योंकि ये रशिया में काफी हिट है ये गाना, अभी भी लोग वहां पे ये पार्टी सॉन्ग और ये गाते हैं वहां पे लोग। मैंने देखे काफी अवार्ड्स और वो वाली रशियंस की देखी है, तो उसमें वो काफी ये वाला गाना गाते हैं और काफी पसंद आई मुझे तो ये वीडियो, काफी मजा आया। हाँ, जान के ये सब, और कुछ ही गाने थे न्यू बस। हाँ। तीन चार ही, दो तीन, 14 में से मेरे ख्याल से 3 या 4 होंगे जो न्यू होंगे। एक स्वैग नशे से चढ़ गई, स्वैग से स्वागत, और एक वो काला चश्मा। हाँ। काला चश्मा भी ऐसे पुराना, वो उसका रीमेक ही है वो, और बाकी जय हो। हाँ, जय हो, और बाकी तो इतने पुराने थे जहां पैदा भी नहीं हुए थे बाकी तो। और सबसे मजा आता है कोलावरी डे, तब ना सब लिरिक्स भी याद हो गए थे, कोई गाने के लिरिक्स याद होते नहीं थे हमें। हाँ, वो वाला हो गया, इतना मजा आता था ना वो गाने में। मुझे आता है ये सॉन्ग, हमें तो काफी पसंद आई वीडियो, आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।